करते हैं आज का वीडियो शुरू। और आज के वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये एक सिंपल सी मेकअप लुक, जिसके अंदर मैंने कोई भी ब्रशेस का ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, सिर्फ एक ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ किया है, ना कोई आई शेडो का यूज़ किया है, कुछ नहीं। बहुत ही सिंपल से मेकअप लुक आप लोगों के लिए क्रिएट करने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही अफोर्डेबल है। कोई हाई एंड प्रोडक्ट मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है। और मैंने स्पेशली ये लुक उन लोगों के लिए क्रिएट की है जो कि बिगनर्स हैं, जिनको मेकअप करना बहुत पसंद है लेकिन दे डोंट नो हाउ टू क्रिएट देयर फेस, या फिर विदाउट आई शेडो हाउ टू फ्लॉन्ट योर फेस। तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के लिए कोई छोटी सी ऐसी लुक क्रिएट करूं जो देख के आपको भी अच्छा लगे, और क्रिएट करने से पहले आपको 10 बार सोचना ना पड़े कि क्या ये मेकअप लुक मैं खुद के ऊपर ट्राई कर सकती हूँ, क्या ये कलर्स या फिर क्या इस टाइप का लुक मैं अपने चेहरे पे, मेरे चेहरे पे कैसा लगेगा। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए एक विदाउट आई शेडो, विदाउट ब्रॉन्जर, विदाउट कॉन्टोरिंग और बिना किसी फालतू के स्टेप्स के एक ऐसी सिंपल सी लुक क्रिएट करूँ जिसे देख के आपको भी अच्छा लगे, बहुत ही प्रैक्टिकल लगे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपको करना है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। सो गाइस, करते हैं स्टार्ट मेकअप करना। और अभी जस्ट मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और कुछ भी नहीं लगाया अपने फेस पे, बिल्कुल भी ना मॉइस्चराइज़र ना कुछ, बस एक हल्का सा लिप बाम है, जो कि मेरी आदत है। एक लिप बाम मैं अपना जो है वो वॉशरूम में ही रखती हूँ, तो जैसे ही मैं फेस वॉश करती हूँ, नहाती हूँ, तो उसके बाद तुरंत मैं लिप बाम लगा लेती हूँ। तो ये बहुत पुरानी आदत है जो अभी भी मेरी कंटिन्यू है। और लिप बाम बता देती हूँ मैंने कौन सा लगाया हुआ है, तो लिप बाम बता देती हूँ मैंने कौन सा लगाया हुआ है। एज़ यू ऑल नो कि मेरा मोस्ट फेवरेट लिप बाम, एक मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि मेरा मोस्ट फेवरेट जो लिप बाम है वो है हिलेरी राडो का ये वाला लिप बाम। और ये बहुत ही अमेजिंग लिप बाम है, सुपर टेंटेड, सुपर मॉइस्चराइजिंग, और मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। वो वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने जितने भी अफोर्डेबल और ड्राई स्किन वालों के लिए जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे रिकमेंड किए हुए हैं। तो ये वाला लिप बाम मैंने फॉर टाइम बीइंग अभी यूज़ किया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप लुक क्रिएट करना। तो मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल सबसे पहले स्किन को प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पे जो मेकअप लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा, एक होता है ना, 3 स्टेजेस होती हैं जब आप एक मेकअप लुक क्रिएट करते हो। तो एक होता है कि जो मतलब जो बिगनर्स के लिए मेकअप लुक होता है, एक होता है जो बिगनर्स से थोड़ा सा अबव आता है, और एक होता है एकदम हाई टेक्निकल टाइप का मेकअप लुक जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह क्रिएट करते हैं, जो कि आई पर्सनली फील कि फोटोशूट्स वगैरह वेडिंग के लिए ठीक है, लेकिन आप पर्सनल लाइफ में वो मेकअप डेली वेयर में नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो मेकअप लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ वो मीडियोकर जो रेंज है ना वो वाली क्रिएट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र लेने वाली हूँ, और यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो बहुत ही अफोर्डेबल होंगे, और वो वही वाले मेकअप प्रोडक्ट्स होंगे जो मैं डेली वेयर में यूज़ करती हूँ। और तो सबसे पहले ये वाला है निविया का 48 आवर डीप मॉइस्चराइज़र हेल्दी स्किन फॉर वेरी ड्राई स्किन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी स्किन सुपर 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 एक्सट्रीम ड्राई है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिप बाम लेने वाली हूँ। और यहाँ पे ना एक चीज़ और कि मैं कुछ शो ऑफ के लिए कोई एक्स्ट्रा ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर या ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं बहुत ही ना एक प्रैक्टिकल सा मेकअप लुक क्रिएट करूँगी, जितना हो सकता है मैं कोशिश करूँगी हाथ का इस्तेमाल करने की, और जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे मेकअप ब्रशेस की ज़रूरत है वहाँ पर मैं मेकअप ब्रशेस का इस्तेमाल करूँगी। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ पे जो है अपना मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। ज़्यादा मैं कोई टोनर या इस तरह का मॉइस्चराइज़र या कुछ ऐसी स्किन प्रिपरेशन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं डेली वेयर में या डेली लाइफ में भी ज़्यादा मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत ही सिंपल सा एक सनस्क्रीन हो गया, नॉर्मल सा फेस वॉश हो गया, वंस इन अ वीक जो है मैं स्क्रब कर लेती हूँ, और वो भी मेरा पक्का नहीं होता, हो सकता है 15 दिन भी हो जाते हैं और हो सकता है मुझे 1 वीक भी हो जाता है। तो इस तरीके से जो है मैंने कर ली है अपनी स्किन प्रिपेयर। तो दैट्स इट, बस इतना सा है मेरा स्किन रूटीन जो भी होता है। आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं करती हूँ अपनी स्किन में। नेक्स्ट जो, तो अब हम यूज़ करने वाले हैं प्राइमर।
अब प्राइमर का रोल क्या होता है? प्राइमर का रोल होता है कि सपोज कीजिए आपकी स्किन पे ओपन पोर्स है, या आपकी स्किन जो है वो पैची है, अनइवन है, या कुछ आपको जैसे स्कार्स वगैरह के निशान है, तो वो उसको थोड़ा सा, मैं कम्प्लीटली नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ आपके फेस का जो कैनवास है ना उसको बहुत ही स्मूथ कर देता है। तो ये रोल होता है प्राइमर का। प्राइमर के लिए मैं ये वाला प्राइमर, मैंने सारी चीज़ों का उस वाली वीडियो में जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो मैंने दिया हुआ है कि मैं कौन कौन से प्राइमर जो है वो यूज़ करती हूँ, कौन से प्राइमर नहीं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं बहुत ही कोई सुपर ग्लोई या फिर कोई वेडिंग लुक क्रिएट नहीं कर रही हूँ, बस जस्ट एक नॉर्मल जो है जिस टाइप का मेकअप मुझे पसंद है मैं उस टाइप का है। बिगिनर्स के लिए कैसा कौन सा मेकअप है जो वो कर सकते हैं, उस टाइप का मेकअप जो है मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। एंड स्पेशली जो प्राइमर है लगाने का तरीका ये होता है कि आपको ना अपने ये वाला जो एरिया होता है, क्योंकि मोस्टली जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है वो आपके चीक एरिया या फिर आपके फोरहेड एरिया के आसपास एंड नोज़ पर होती है, तो प्राइमर को मेक श्योर सबसे पहले आप इस तरीके से अप्लाई करें, और उसके बाद उसको आप जो है इवनली अपने हाथ से ही स्प्रेड कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये बहुत ही सेंसिबल सी वीडियो बने। अच्छा, काफ़ी लोगों को मैं बता दूं कि मैं हॉस्पिटल से, मतलब हॉस्पिटल लाइन से और यूट्यूब पे कैसे आई, तो काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मैं वीडियोस देखती थी, मैंने आपको बहुत सारे उसमें बताया कि मुझे यूट्यूब का बहुत, मेरे लिए यूट्यूब पैशन है और मैं क्रिएट करना चाहती हूँ अपनी वीडियोज़ और अपना एक चैनल है उसको ग्रो करना चाहती हूँ। तो मुझे स्टार्टिंग में कोई भी नॉलेज नहीं थी YouTube को लेके कि YouTube पे वीडियो कैसे बनते हैं, कैसे क्या होता है। मेरी जर्नी एग्जैक्टली 2016 में स्टार्ट हुई थी। 2016 में मैंने YouTube वीडियोस बहुत देखना शुरू किया था, और अभी जो है फाउंडेशन के लिए मैं Maybelline का Fit Me फाउंडेशन जो कि है इन द शेड 128 वार्म न्यूड बेज करके है वो यूज़ करने वाली हूँ। तो थोड़ा सा जो फाउंडेशन है वो मैं अपने हाथ पे लूँगी, और मुझे स्किन पे ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी कलर करेक्टर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। सिंपल सा फाउंडेशन है वो लगाऊंगी, और उसके ऊपर कंसीलर वगैरह भी मैं नहीं लगाने वाली हूँ, मैंने कहा ना मैं बहुत ही प्रैक्टिकल रखने वाली हूँ उस लुक को। तो हाँ, मैंने आप लोगों को बताया कि जब मैंने लुक्स मैं देखती थी उस टाइम, तो मुझे होता था कि यार हाँ मुझे वीडियोज़ क्रिएट करनी है, मुझे वीडियोज़ बनाना अच्छा, मतलब एक होता है ना किसी को देख के आपका मन करता है, यू फील मोटिवेटेड कि काश आप भी ऐसा कुछ करो लाइफ में। तो उस टाइम पर बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जिनका जो था नया नया चैनल था, काफ़ी सारे थे, तो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन भी हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन उस टाइम पे मैंने अपना यूट्यूब वीडियो जो था वो बनाना छोड़ दिया। यहाँ पे फाउंडेशन को मैंने हल्का सा स्पॉन्ज के ऊपर लिया, पहले डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो और स्पॉन्ज के ऊपर लेकर भी कर सकते हो एज़ यू विश। तो यहाँ पर मैं उसको अप्लाई करूँगी, फिर उसके बाद मैंने अपनी जो जर्नी है मैंने सीखा, सबसे मेन चीज़ थी कि सीखना, क्योंकि उस टाइम पे ना आपको कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मुझे कैसे क्या करना, तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस जो है उस टाइम पे बनाई भी, सीखी बनाने के लिए। फिर उसके बाद कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि मुझे यूज़ करना चाहिए मैंने वो देखा, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही करके, शायद मेरा फाउंडेशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है या पता नहीं लाइट में इतना ज़्यादा क्यों लग रहा है वाइट वाइट सा। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे मैंने सारी चीज़ें सीखी, फिर 2017 में मैंने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करी। अब ना Maybelline के फाउंडेशन का भी ये हो सकता है थोड़ा ज़रा, कोई भी फाउंडेशन है वो थोड़ी देर बाद ना ऑक्सीडाइज होता है, तो हल्का सा हो सकता है ये अभी ऑन कैमरा वाइट लग रहा हो, मे बी थोड़ा लाइट की वजह से या किसी और इफेक्ट की वजह से, बट इतना ये एक्चुअली है नहीं वाइट। थोड़ी देर में जब आपका बेस क्रिएट हो जाएगा ना ये पूरा इवन टोन लगेगा। तो हाँ, मैं कहाँ थी, मैंने वीडियोस बनाई, सीखी, उसके बाद मुझे अपनी जॉब का था कि पहले मुझे जॉब पकड़नी है, जॉब पे जाना है, तो गवर्नमेंट जॉब का क्रेज था, फिर मैंने वो उसकी तैयारी करी। उसके बाद फिर व्हेन आई फेल्ट लाइक नाउ इट्स द टाइम कि मैं अपना टाइम जो है दिन का जितना भी हो सकता है मेरे से पॉसिबल हो सकता है, तब तक मैंने काफ़ी कुछ लर्न कर लिया था यूट्यूब पर,
बीच बीच में वीडियोस देखती रहती थी कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आपको जो है वीडियोस बनानी होती हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिससे आप वीडियोस बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर में भी, ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और आपकी वीडियोस बन गई, ऐसा नहीं होता। उसमें आपको फिर एडिटिंग सीखनी पड़ती है और बहुत कुछ होता है। मतलब हाँ, ऑब्वियसली मेरी वीडियोज़ इतने हाई टेक्निकल नहीं है, बट फॉर मी बहुत, मैंने बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत ग्रो किया है। मैं पर्सनल अपनी ग्रोथ अगर देखती हूँ तो फिर उसके बाद जो भी आप फाउंडेशन ले रहे हैं, मेक श्योर कि उसे आप हल्का सा अपने कान के यहाँ और नेकलाइन के आसपास लगाएं, क्योंकि ना ये अगर आप बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाते हैं तो यहाँ से नेक एरिया और ये वाला एरिया ना आपका बहुत ही अलग लगेगा। तो मेक श्योर आप दोनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं यूट्यूब पर आई। स्टार्टिंग में मुझे अपनी कैटेगरी का नहीं पता था कि मैं कौन सी कैटेगरी जो है YouTube के लिए चूज़ करूँ। मैं मेकअप वीडियोस बनाऊँ या फिर मेकअप वीडियोस का भी मुझे था कि मैं 3-4 घंटे दे पाऊँगी या नहीं, या फिर मैं उस लेवल का मेकअप लोगों को दिखा पाऊँगी या नहीं। फिर मैंने उसके बाद धीरे धीरे व्लॉग्स बनाना शुरू किया, अपनी नॉर्मल लाइफ दिखाना शुरू किया। ऑब्वियसली अभी टाइम लग रहा है धीरे धीरे मेरा चैनल ग्रो होने में, इस हद तक तो ग्रो नहीं हुआ है कि मैं ये बोलूँ कि हाँ मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ। बट अगर मैं खुद की बोलूँ ना कि हाँ मैं मतलब आज से 1 साल पहले कहाँ थी और आज कहाँ हूँ, तो मेरे अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं, बहुत कॉन्फिडेंस। लिटरली अगर आप एक बिगनर हो और यूट्यूब पे आए हो तो आपको 1 साल तो आप ये मान के चलो आपका सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस गेन करने में निकल जाता है, कि आपको कॉन्फिडेंस जो है वो गेन करना है। तो अब फाउंडेशन से जो है मेरा बेस बन चुका है और बहुत ही इवन टोन, आप देख रहे हो कहीं से अनइवन या पैची या इस तरह का कुछ भी नहीं है। हल्का सा मैंने ज़्यादा हाई कवरेज का फाउंडेशन नहीं लिया, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि आप ना हाई कवरेज फाउंडेशन डेली वेयर में नहीं पहन सकते हो। बहुत ही ज़्यादा एकदम से ऐसे वाइट, फोटोशूट्स वगैरह के लिए ठीक है, वेडिंग सीजन के लिए ठीक है, लेकिन आप अगर आप कोई छोटा सा फंक्शन अटेंड करना है या किसी दूर के रिश्तेदार की शादी आपको अटेंड करनी है तो एक मीडियम कवरेज का फाउंडेशन ठीक रहता है। इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है या स्कार्स की प्रॉब्लम है, पिंपल्स है, इन दैट केस आप जो है हाई कवरेज का फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं अपनी आईब्रो करने वाली हूँ। आईब्रो इसलिए क्योंकि मेरी आईब्रो का जो रूटीन है वो बहुत ही सिंपल है। या तो मैं मिस क्लेयर वाली जो पेंसिल है, इसकी हालत आप देख सकते हो कितनी छोटी सी हो रखी है, या तो ये यूज़ कर दूँ, या फिर जो मेरा मेबलिन का जेल का फिटमी जेल का जो लाइनर है ना, इसी की ब्रश से मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लेती हूँ। तो अभी मैं प्रॉपर आईब्रो बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं मिस क्लेयर की जो आईब्रो ब्रश है बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही अच्छी है, इससे मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी। और मुझे बहुत ही डार्क आईब्रोज नहीं अच्छी लगती हैं, बहुत ब्लैक आईब्रोज नहीं अच्छी लगती हैं। आई वॉन्ट कि मेरी आईब्रोज जो हैं वो बहुत ही नेचुरल रहें, बहुत ही सिंपल सी रहें। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने फ़र्स्ट टाइम आईब्रो कब बनवाई थी। आई रिमेंबर मैंने फ़र्स्ट टाइम आईब्रो जो है वो कॉलेज में अपनी फ्रेशर्स पार्टी में बनवाई थी, सेकेंड ईयर में। हमारी फ्रेशर्स पार्टी जो है वो फर्स्ट ईयर में नहीं हुई थी, हमारी फ्रेशर्स पार्टी जो है वो सेकेंड ईयर में हुई थी। तो उस टाइम पे मैंने अपनी फ़र्स्ट टाइम आईब्रोज बनवाई भी नहीं थी एक्चुअली, मम्मी से ही ना उस टाइम पे मैंने अपनी मम्मी से ही बोला था कि मेरी आईब्रोज थोड़ी ठीक कर दो, मेरा कॉलेज में फंक्शन है। तो मेरी मम्मी ने बहुत साल पहले जो है वो आई पार्लर का जो होता है वो प्रॉपर कोर्स सीखा था कई महीने का। एंड आई रिमेंबर उस टाइम पे जब हम छोटे छोटे थे ना, माई मदर यूज़ टू डू सच अ ब्यूटीफुल मेकअप, उस टाइम पे बहुत सुंदर मेकअप करती थी वो। और मतलब ऐसा था कि उन्होंने ब्राइडल्स तक तैयार की हुई हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे प्रैक्टिस नहीं की, तो वो धीरे धीरे बादल जो है वो छूट चुकी है। बट उस टाइम पे जो है मैं अपनी मम्मी को देखती थी कि वो बहुत बहुत सुंदर मेकअप, बहुत सुंदर आईब्रोज बनाना, एवरीथिंग शी यूज़ टू डू बहुत सुंदर। मतलब किसी का करती नहीं थी, लेकिन कोई खास रिलेटिव उसका ब्राइडल मेकअप कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं। वरना लोग जो है वो इतना इतना चार्ज ही ले लेते हैं। उसके अलावा आईब्रोज बना दिया, ऐसे करके मम्मी जो है वो कर लेती थी। बट उन कोर्स जो था वो अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए सीखा था। एनीवेज कहाँ थी मैं,
हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम आईब्रो जो है उस टाइम पे बनवाई थी, और उससे पहले मुझे मेकअप की ज़ीरो नॉलेज थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था मेकअप में। आई रिमेम्बर कि जब हम कॉलेज में गए थे तो कॉलेज में मम्मी ने मुझे एक डब्बे के अंदर घी डाल के दिया था, गाय का घी। मैं मॉइस्चराइज़र वगैरह तो बहुत दूर की बात है, मैं गाय का घी लगाती थी फेस के ऊपर। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो हम करने वाले हैं यहाँ पे, मैं कोई आई शेडो का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, मैं बहुत ही सिंपल लुक क्रिएट करने वाली हूँ एज आई टोल्ड यू। तो मैं सिंपल सा लाइनर लगा के और एक सिंपल सा गेट रेडी विद मी शूट कर रही हूँ, कि जो कि आप किसी दूर के रिश्तेदार की पार्टी में या फंक्शन में रेडी होके जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ मेबलिन का स्टूडियो जेल लाइनर, और ये इसकी ब्रश है। तो प्लीज़ अगर आपके पास ये वाला, अगर आप लाइनर खरीद रहे हो ना, तो इसके साथ हमेशा इसके वाली ब्रश यूज़ करना, बहुत ही अमेजिंग सी ब्रश है। इसको मैं अपने मिडल ऑफ द आई से स्टार्ट करूँगी लगाना। अंदर तक मैं इसे लेकर आई हूँ। नेक्स्ट सेम ऐसे ही मैं दूसरी आंख पर लगाऊंगी। अगर आपके पास ये वाला लाइनर नहीं है ना, तो एक ट्रिक बता देती हूँ मैं। अगर आपके पास कोई भी ब्लैक आई शेडो है ना मैट में, वो वाला आई शेडो लेना, उससे पहले एक अपना ना लाइनर, फेक लाइनर क्रिएट करना। बहुत सारे पार्लर्स में देखना ये ट्रिक यूज़ होती है। आप इस तरीके से लाइनर क्रिएट करना आई शेडो से, और उसके बाद जो है आप अपना लाइनर लगाना, तो आपका लाइनर जो है वो जेट ब्लैक तो रहेगा ही, साथ में बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। तो मैं दूसरी आँख पर भी ऐसे ही इसके बाद जो मैं करने वाली हूँ वो है मेरी ट्रिक, जो मैं बहुत ही यूज़ करती हूँ, कि मैं पहले जेल लाइनर लगाती हूँ और उसके ऊपर जो लैकमे या L18 का लाइनर होता है ना, उससे एक विंग जो है वो क्रिएट कर लेती हूँ। तो मेरा हाथ, मतलब मेरा विंग जो बहुत सुंदर बनता है। सो गाइज, लग चुका है मेरा लाइनर, बहुत ही सिंपल सा एक विंग लाइनर, फिश विंग लाइनर। मुझे इस टाइप का लाइनर अपनी आंखों पे बहुत अच्छा लगता है। ऑल दो मेरी आंखें बहुत बड़ी हैं, लेकिन इस टाइप का आई लाइनर लगाने के बाद ना मेरी आंखें और लंबी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट जो है हम मस्कारा लगाएंगे। तो मस्कारा के लिए मैंने आपको बताया मेरे पास सिंगल एक ही मस्कारा है, मेबलिन का। ये भी मेबलिन का है, कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है, बट ट्रस्ट मी बहुत ही सुंदर मस्कारा है, बहुत ज़्यादा सुंदर मस्कारा है। कितना डिफरेंस आ गया। फॉल्सीज वगैरह मैं कुछ भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ, एज आई टोल्ड यू कि मैं ये लुक जो है वो बिगिनर्स के लिए क्रिएट कर रही हूँ। दैट मीन्स इस लुक को जितना सिंपल हो सकता है, जितना विदाउट ब्रशेज हो सकता है, उतना ही मैं कोशिश कर रही हूँ इस लुक को वैसा ही क्रिएट करूँ, सो दैट देखने वाले को भी ये रहे कि हाँ ये बहुत प्रैक्टिकल है, इसमें आपको ब्लेंडिंग और फलाना, कॉन्टोरिंग, टिंकाना, ये सब करने की ज़रूरत ना पड़े। और करने में भी आपका मन करे कि हाँ मुझे इस टाइप का लुक क्रिएट करना है। एंड आप हमेशा आई शेडो नहीं कैरी कर सकते हो, लेट मी बी वेरी प्रैक्टिकल। ये सच है कि आप हर फंक्शन में, आप
अपनी आइज को डिस्को बॉल बना के या कलरफुल पैलेट बना के नहीं घूम सकते। तो बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको एक आईलाइनर लगा के मतलब ही थोड़ा कंप्लीटेड फील होता है, या फिर आपकी ड्रेस इतनी कलरफुल होती है कि आप अपने फेस को कलर नहीं कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे आईलाइनर मेरा हो चुका है नेक्स्ट। तो अब जो है मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्लशर का, कंटूरिंग ब्रॉन्जर कुछ यूज़ नहीं करने वाली मैं, सिंपल सा जो है लुक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अपना मिस गोल्ड का जो है वो पैलेट मैंने वीडियो में दिखाया कि एक कंप्लीट पैलेट है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पिगमेंटेड पैलेट है। और अगर आपको कहीं से भी मिलता है ना तो मेरा मानिए कि आप इसको ज़रूर खरीद लीजिए, आपको और किसी ब्लश के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है सबसे जो लाइट शेड है ये वाला लिया है पिंक में, और इसको मैं हल्का सा धीरे धीरे करके अपने चीक पे, एकदम से ना कोई भी डार्क कलर मत लेना, क्योंकि अगर एकदम से अगर आप डार्क कलर लोगे ना तो उसको ब्लेंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एंड ब्लश के लिए स्पेशली आपको काफ़ी लोग क्या करते हैं उसको ना यहाँ लगा के छोड़ देते हैं, तो वो ऐसे ना कैसे बताऊँ मैं, वो मतलब ऐसे ना दाग सा बन जाता है यहाँ पे और बहुत ही अजीब लगता है। तो आई सजेस्ट यू कि हमेशा जब भी आप ब्लश लगाओ हमेशा अपने चीक बोन पे ऐसे कर लो, आपको पता लग जाएगा कि आपकी चीक बोन कहाँ है। स्माइल करके देखोगे ना तो पता लग जाएगा। तो आपको अपनी चीक बोन पे स्टार्टिंग में यहाँ पे रखो और उसे ऊपर की तरफ जो आपका ये वाला है यहाँ पे ऐसे करके उसको लेकर जाना है और इस तरीके से अपने ब्लश को जो है वो ब्लेंड करना है। और इसी तरीके से मैं अपने ब्लश को दूसरी जगह भी ब्लेंड करूँगी। तो ब्लश मेरा हो चुका है, बेस मेरा हो चुका है, एंड यू कैन सी कि मैंने ना तो कोई कॉम्पैक्ट का यूज़ किया ना मैंने किसी बहुत ही कंसीलर का यूज़ किया, सिंपल सा लुक है। आई थिंक इसमें शायद 5 से 6 प्रोडक्ट ही पूरे लुक में यूज़ होने वाले हैं। अब मैं हाइलाइटर का यूज़ करने वाली हूँ। हाइलाइटर के लिए एज आई टोल्ड यू अपने लास्ट वीडियो में, या तो आप चाहें तो एक कोई भी सिंपल सा जो भी आपका ग्लिटरी वाला आई शेडो होता है ना जिसके पार्टिकल्स बहुत बारीक हो, अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है इन दैट केस आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और मेरे पास हाइलाइटर के नाम पे सिर्फ एक ये वाला छोटा सा हाइलाइटर है, तो मेरे ये बहुत ही हाइलाइटर, बहुत ही सुंदर सा हाइलाइटर, बहुत सुंदर, इसके पार्टिकल्स बहुत सुंदर है, आप देख रहे हो बहुत सुंदर है। मतलब ये हाइलाइटर मुझे सबसे बेस्ट लगता है, हल्का सा लगा के, और इसे आप चाहो तो फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हो। इसको सब मेन चीज़ है कि इसको ब्लेंड करना ना बहुत इजी है, ब्रश से आप ब्लेंड करना चाहो ब्रश से कर सकते हो, आप फिंगर से करना चाहो फिंगर से कर सकते हो। और देख सकते हो आपने ये हाइलाइटर जी, मतलब ना ये बहुत ही इस टाइप का मेकअप करना एक तो बहुत ईजी है, अभी तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो ना लंबी खिंच गई होगी। अदरवाइज़ इस लुक को क्रिएट करने में हार्डली आपको 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। जस्ट आप अपना बेस बनाओ, लाइनर लगाओ, आईब्रोज फिल करो, ब्लश लगाए, लिपस्टिक लगाए, यू आर गुड टू गो। तो बट उसके लिए आपका लाइनर जो है ना वो आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको पता हो कि आपके आईज़ पे कौन सा आईलाइनर जो है वो सूट कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ मेबलिन की 633 फायर क्रैकर रेड कलर का शेड है, थोड़ी सी बची हुई है, ये मेरी फेवरेट शेड है। मतलब ये शेड ना ऐसी है जो आपके इंडियन वेयर पे अगर आपको पहनना है तो आप डायरेक्टली ये लगा लो, अदरवाइज इसके ऊपर एक हल्का सा न्यूड कलर की जो शेड है आप वो लगा लो और वो वेस्टर्न वेयर पे आपका बहुत सुंदर लगेगी अगर आपको एक न्यूड लुक क्रिएट करनी है तो बस। और इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ ये स्विस ब्यूटी की S10 करके शेड है कुकी, ये वाली लगाने वाली हूँ। थोड़ा सा मेरे मेकअप लुक कंप्लीट है, दिस इज हाउ आई लुक। तो बहुत ही सिंपल सी मेकअप लुक मैंने आज क्रिएट किया है जो कि मैं खुद प्रेफर करती हूँ, मैंने बताया
कि अगर मुझे किसी कलीग, दोस्त, फ्रेंड, दूर का कोई रिश्तेदार अगर उसके फंक्शन में जाना है तो मैं इस टाइप की मेकअप लुक क्रिएट करना बहुत ही प्रेफर करती हूँ। मुझे सिंपल सी इस टाइप की मेकअप लुक बहुत अच्छी लगती है। अभी मैं अपना आउटफिट चेंज करती हूँ और उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को अपना कम्प्लीट फाइनल लुक। मैंने कर लिया अपना आउटफिट चेंज एंड दिस इज़ माय कंप्लीट लुक। और अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अपने मेकअप को सेट करने वाली हूँ मेकअप फिक्सर से। मेकअप फिक्सर जो है वो आपके मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्टिंग बना देता है, एंड स्पेशली व्हेन इट्स अ ह्यूमिड क्लाइमेट। जैसे क्लाइमेट अभी चल रहा है ना दिल्ली का, कि चिपचिपा, कभी बारिश कभी गर्मी, और इस टाइप का क्लाइमेट चल रहा है, तो उस टाइम पर मेकअप फिक्सर जो है वो कभी भी आप फंक्शन या किसी भी उसमें जाओ तो प्लीज़ मेकअप फिक्सर लगा कर जाना। तो थोड़ा सा मैं दूर से इसको अपने फेस पे मैंने इसको स्प्रे किया है एंड थोड़ी देर में सूख जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको लास्ट में चाहो तो अपने ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब कर सकते हो, बट मेरा मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरी स्किन पे थोड़ी सी देर में ड्राई होगी, एकदम नॉर्मल सा हो जाएगा। अदरवाइज ट्रिक बता देती हूँ, सेम फाउंडेशन है, आपको इस पर कुछ कॉम्पैक्ट नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। लेकिन उस चीज़ के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अपना ब्लशर जो है वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा लगाओ, क्योंकि आप जब इसको ब्लेंड करोगे ना तो आपका जो मेकअप ब्लशर है वो हल्का सा लाइट पड़ जाएगा। और ये हो चुका है मेरा मेकअप फाइनली लॉक एंड दिस इज़ हाउ आई लुक। ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर ये वीडियो और ये लुक अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करते हुए चले जाओगे ना ऐसे ही, तो मुझे अच्छा लगेगा। और आगे अगर आप लोगों को पसंद आएंगी तो मैं बहुत ही चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल से मेकअप लुक लेकर आऊँ, जो कि आप कहीं भी कैसे भी क्रिएट कर सकते हो, किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में, खुद के रिश्तेदार की शादी में, खुद के घर की शादी में, ऐसे करके मैं चाहती हूँ मैं इस टाइप के लुक्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँ जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हों। बिकॉज आई फील लाइक कुछ ऐसा होना चाहिए जो अगर मैं ऑन कैमरा कर रही हूँ तो वही चीज़ आप ऑफ कैमरा करते हुए आपको 10 बार सोचने की ज़रूरत ना पड़े। तो बस ये था मेरा सिंपल सा मेकअप लुक। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना।